विकास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। वाटर मीटर रीडिंग में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, मीटर रीडिंग के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। गृह मंत्री अमित शाह को शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दी खुली चुनौती, कहा मुंबई आइए आसमान दिखा देंगे। चंडीगढ़ एमएमएस कांड में बड़ा खुलासा, आरोपी लड़की की सेना का जवान कर रहा था ब्लैकमेल। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 10 राज्यों में छापेमारी, पीएफआई के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। यूपी एमपी में ऑरेंज अलर्ट, 25 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बैंक की छत, अलीगढ़ में बड़ा हादसा टला। औरैया में खंड विकास अधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं, किसान यूनियन भानू के प्रदेश महासचिव ने सौंपा ज्ञापन। अयोध्या में गोसाईगंज के विधायक का शिकायती पत्र हुआ वायरल, विधायक ने डीजीपी को लिखा था शिकायती पत्र। फरीदाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने सास बहू को बनाया बंधक, लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। प्रयागराज में गाजे बाजे के साथ निकाली जाती है रावण की शोभा यात्रा, रावण के स्वागत में उमड़ पड़ता है जनसैलाब। कंबोडियाई साइबर क्राइम रैकेट के जाल में फंसे कई लोग, मलेशिया ने 15 पीड़ितों को बचाया। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने डोनाल्ड ट्रंप समेत उनके बच्चों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला कराया दर्ज। अमेरिका ने भारत के लिए यूएनएसएससी में स्थायी सीट को लेकर समर्थन दोहराया, कहा सुरक्षा परिषद को विश्वसनीय बनाए रखना जरूरी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बोले पाकिस्तान को असली आजादी दिलाएंगे, शुरू करेंगे असली स्वतंत्रता आंदोलन। ईरान में हिजाब के खिलाफ और हिंसक हुआ प्रदर्शन, सड़कों पर फूंकी जा रही गाड़ियां, कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद। दूसरे T20 के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया, सीरीज में वापसी के लिए जीत जरूरी। गौतम गंभीर की कप्तानी में इंडिया कैपिटल्स को ने दिखाया दम, और इरफान पठान की टीम को कर दिया बेदम। तेईस साल बाद भारतीय महिला टीम ने हरमनप्रीत की कप्तानी में इंग्लैंड में जीती वनडे सीरीज। आकाश चोपड़ा ने की रोहित शर्मा की आलोचना, बोली मैं उनके इस अप्रोच से नाखुश हूं। फुटबॉल फैंस के लिए खुशखबरी, यूरो 2024 तक रिटायरमेंट नहीं लेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बारह साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव की बेटी को मिला था वीरता पुरस्कार, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने किया था सम्मानित। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर इमोशनल हुए तारक मेहता के शैलेश लोढ़ा, कहा हमारी दोस्ती बरसों पुरानी। कॉफी विद करण में गौहरी खान का बड़ा खुलासा, कहा कई बार शाहरुख खान की पत्नी होने के कारण नहीं मिलता काम।
अमिताभ बच्चन की आवाज में आएगी डिज्नी प्लस की डॉक्यूमेंट्री सीरीज द जर्नी ऑफ इंडिया। ऋचा चड्ढा अली फजल का वेडिंग कार्ड वायरल, माचिस की डब्बी पर दिखा कपल का स्वैग। फिलहाल के लिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।